दीवारों पर। भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है, तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन में। जनजातीय जिला किन्नौर मुख्यालय पीयू में राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मेला आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस मेले में किन्नौरी उत्पादों की खरीद के लिए बाहर से व्यापारी आते हैं। इस उत्सव के दौरान 4 दिनों तक रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस बार मुंबई कलाकारों के अलावा किन्नौरी और हिमाचली कलाकारों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए 31 अक्टूबर को हिमाचली और 1 नवंबर को किन्नौरी कलाकारों के लिए संध्या रखी गई है, जबकि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को मुंबईया कलाकारों को स्थान दिया जाएगा। कानून व्यवस्था सुचारू हो इसे लेकर भी पीयू शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। 4 स्थानों पर पुलिस बैरियर स्थापित कर हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने बताया कि किन्नौर महोत्सव 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में बाहर से काफी व्यापारी आते हैं और किन्नौरी प्रोडक्ट का व्यापार होता है। उन्होंने बताया कि उत्सव के समापन के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा। इस वर्ष भी 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक किन्नौर महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। और इस महोत्सव की ये खासियत है कि यहाँ बाहर से भी काफ़ी व्यापारी लोग आते हैं और काफ़ी व्यापार यहाँ पे होता है। और फिर दूसरे जो हमारा किन्नौर का जो लोकल प्रोडक्ट है, ड्राई फ्रूट है, पटियाँ हैं, शॉल हैं, टोपियाँ हैं, उनका भी काफ़ी व्यापार यहाँ पर होता है। तो इस बार भी हम सभी व्यापारियों के लिए पूरी सुविधाएं दी जाएगी। और जो 4 दिन का इसमें हमारा महोत्सव हो रहा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि 2 तारीख को जो है वो क्लोजिंग में इसमें आए। हमें आशा है कि वो जरूर 2 तारीख को इस मेले का समापन में जरूर आएंगे। पुलिस अधीक्षक किन्नौर SR राणा ने बताया कि मेले की दृष्टि से पीयू शहर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। आने वाली गाड़ियों और लोगों की चेकिंग के लिए मेला क्षेत्र में 4 पुलिस बैरियर स्थापित किए जा रहे हैं। शहर में ट्रैफिक सुचारू रहे इसके लिए ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा। इसके अलावा रात्रि सांस्कृतिक संध्या क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। किन्नौर उत्सव जिसे हम लवी फेयर के नाम से भी जानते हैं, ये 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरे रिकॉन्गपियो टाउन को मेला की दृष्टि से हम लोग 6 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ आने वाले हर एक गाड़ी को और लोगों की चेकिंग के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 4 पुलिस बैरियर्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे। आदर्श हिमाचल के लिए रामपुर से विशेष निगी की रिपोर्ट।